करें पाकिस्तान, डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल का 147वां यौम विलादत मुल्क भर में अकीदत एहतराम के साथ मनाया गया। खराज अकीदत पेश करने के लिए मजार इकबाल पर गार्ड की तब्दीली की एक पुरवकार तकरीब मुनक्किद की गई। पाकिस्तान नेवी के कमांडर सेंट्रल पंजाब रियर एडमिरल अजहर महमूद तकरीब के मेहमान खसूसी थे। पाकिस्तान नेवी के कमांडर सेंट्रल पंजाब रियर एडमिरल अजहर महमूद ने मजार पर फूल रखे और फातिहा खानी की। रियर एडमिरल अजहर महमूद गार्ड में शामिल पाकिस्तान रेंजर्स और पाक बहरिया के दस्तों का मुआयना किया। पाक बहरिया के चाको चौबंद दस्ते ने मजार इकबाल पर एजाजी गार्ड के फराइज संभाले, जबकि पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब का दस्ता मजार पर अपने फराइज सबकदोश होकर रुखसत हो गया। गार्ड की तायुनाती के बाद कौमी शायर के मजार पर अमीरुल बहार एडमिरल नवीद अशरफ, पाक बहरिया के अफसरान सेलर्स और नेवी सिविलियन की जानिब से फूलों की चादर चढ़ाई गई। कोयटा में खुदकुश धमाके में 26 अफराद जाबहक जबकि 50 से ज्यादा जख्मी हो गए। हुकाम के मुताबिक धमाका रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर उस वक्त हुआ जब वहां मुसाफिरों की बड़ी तादाद मौजूद थी। रेस्क्यू जराई के मुताबिक जाबहक और जख्मियों में खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। पुलिस सर्जन डॉक्टर आयशा का बताना है कि धमाके के 56 जख्मी मुख्तलिफ अस्पतालों में जेर इलाज हैं। धमाके में खातून 5 रेलवे मुलाजमीन जाबहक हुए, जहाबाग अफराद में 4 मुसाफिर भी शामिल हैं। कमिश्नर कोयटा हमजा शफकत ने कहा रेलवे स्टेशन पर धमाका खुदकुश था जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाया गया। खुदकुश धमाके की जिम्मेदारी कलदम तंजीम ने कबूल की। कोयटा में रेलवे स्टेशन पर होने वाले धमाके की इब्तदाई इंक्वायरी रिपोर्ट आ गई। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक खुदकुश हमलावर ने 7 से 8 किलो धमाका खेज मवाद जिस्म से बांधा था। खुदकुश हमलावर ने मुसाफिरों के दरमियान पहुंचकर खुद को धमाके से उड़ाया। खुदकुश हमलावर की शनाख्त के लिए नादरा से मदद ली जाएगी। धमाके की पहली इतला कोयटा कंट्रोल रूम में मौसूल हुई। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने तमाम इलाके को कार्डन ऑफ कर दिया। DSP अस्पताल ब्रांच रेलवे शाहिद नवाजो दीगर रेलवे अमला मौके पर मौजूद रहे। वजीर आजम शहबाज शरीफ, वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और चेयरमैन PPP बिलावल भुट्टो ने कोयटा में रेलवे स्टेशन पर धमाके की शदीद मजम्मत की। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने जख्मियों को तरजीही बुनियादों पर तिबी इमदाद फराहम करने की हिदायत की। वजीर आजम ने बलोचिस्तान हुकूमत से वाकये की तहकीकाती रिपोर्ट तलब कर ली। चेयरमैन PPP बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि दहशत गर्दाना धमाके में अपने प्यारों के खोने वाले खानदानों के गम में बराबर का शरीक हूँ। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कीमती इंसानी जानों के जिया पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। उन्होंने जाबहक अफराद के लवाहिकीन से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार करते हुए कहा मासूम लोगों को निशाना बनाने वाले दहशतगर्द किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। एक सियासी जमात का ये कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप आएगा तो उनके लीडर को आजाद कराएगा, किसी लतीफे से कम नहीं। वफाकी वजीर हसन इकबाल ने कहा डोनाल्ड ट्रंप का सदर मुंतखब होना अमरीकी अवाम का फैसला था, हम उसका एहतराम करते हैं। अमरीकी इलेक्शन के नतीजे पर एक सियासी जमात का ये कहना है कि ट्रंप आएगा तो उनके लीडर को आजाद कराएगा। PIA की निजगारी के हवाले से हसन इकबाल ने कहा कि तहरीक इंसाफ के वजीर हवाबाजी की वजह से PIA को अरबों रुपए का नुकसान उठाना पड़ा, हम किसी भी कौमी इदारे को कौड़ियों के दाम नहीं बेचेंगे।
वफाकी वजीर तवानाई अवैस लगारी ने कहा कि बिजली काउंटर पैकेज 3 माह के लिए है और अगर इसमें कामयाबी मिली तो तौसी का सोचेंगे। हमारा मकसद इजाफी बिजली को कैपेसिटी पेमेंट का बोझ डाले बगैर सार्फिन को देना है। हम चाहते हैं कि सस्ती बिजली के जरिए इंडस्ट्री की प्रोडक्शन शुरू हो। उन्होंने कहा कि हमारा प्रोग्राम था हर साल 31 अक्टूबर से यकम मार्च तक उसे काबिल अमल करें। अगर इन 3 माह का अच्छा नतीजा आया तो हम इसको आइंदा 5 साल के लिए फीचर बनाएंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा पीटीआई के लिए वो अकेले ही काफी हैं। खैबर पख्तूनख्वा में 12 कॉलेजेस बंद हो गए, पीटीआई का सिर्फ जलसों और धरनों पर फोकस है। उन्होंने कहा कि वाइस चांसलर की तायुनाती के इख्तियारात की वापसी के अलावा भी इश्क के इम्तिहान हैं। मैं नहीं समझता बानी पीटीआई की रिहाई के लिए अमेरिका से कॉल आएगी। अता तारड़ का कहना था कि सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है कि बानी पीटीआई की रिहाई हो जाएगी। पहले अमेरिका की गुलामी ना मंजूर के नारे लगाए, अब क्या गुलामी मंजूर के नारे लगाए जाएंगे। माजी में नवाज शरीफ को कॉल आई थी कि एटमी धमाके ना करें। नवाज शरीफ ने कॉल के बावजूद एटमी धमाके किए। अमरीका से कॉल आने वाली मुजीका खैज बातें की जा रही है। मेरे सामने बानी पीटीआई की रिहाई से मुतालिक कोई मुशावरत नहीं हुई। फितना पार्टी खैबर पख्तूनख्वा में बंदे फीकस 1000 पढ़ लाएं या 5000 दिहाड़ी पढ़ लाएं, जलसा जलसा खेलें, हमें कोई मसला नहीं। वजीर इत्तला'आत पंजाब उज़्मा बुखारी ने कहा पख्तूनों की फलाह बहबूद पर खर्च होने वाले विफाक की जानिब से दिए गए फंड्स एहतजाज और जलसों की नजर हो रहे हैं। उज़्मा बुखारी का कहना था की अभी कल ही अली अमीन ने रिहा होने वाली पार्टी कारकुनों को हजार हजार के नोट तकसीम किए। भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान का दौरा ना करने की तस्दीक करते हुए इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को फैसले से आगाह कर दिया। भारत ने पाकिस्तान की नरम पॉलिसी, क्रिकेट और सियासत को अलग रखने की ख्वाहिश और बयानात के बावजूद पाकिस्तान का दौरा ना करने का फैसला किया। हफ्ते के रोज भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को आगाह किया कि भारत की चैंपियंस ट्रॉफी के लिए अपनी क्रिकेट टीम पाकिस्तान नहीं भेजेगा। क्रिकेट पर काम करने वाली आलमी वेबसाइट ESPN कर्क इन्फो ने रिपोर्ट जारी की और कहा कि भारत का ये फैसला 19 मार्च 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी के इनेकाद की मनसूबाबंदी में एक और पेचीदगी पैदा करेगा। इलेक्शन कमीशन ने 20 और 21 नवंबर की अबूरी काज लिस्ट जारी कर दी। जराए ECP के मुताबिक फवाद चौधरी के खिलाफ तोहिन इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी के खिलाफ फर्ज जुर्म की कार्रवाई होगी। इसी तरह बानी पीटीआई के खिलाफ तोहिन इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर केस की समाअत 21 नवंबर को होगी और 48 सियासी जमातों की जानिब से सालाना गोशवारे न जमा कराने के केस की समाअत भी 21 नवंबर को होगी। ज़राए का मजीद कहना था कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, मजलिस वहादत मुस्लिमीन समेत दीगर जमातों को नोटिस जारी कर दिए गए। सियासी जमातों की जानिब से सालाना गोशवारे जमा ना कराने पर इलेक्शन कमीशन समाअत करेगा।
लाहौर की ओपन मार्केट में चीनी की कीमत 32 रुपए कम होकर 157 से 125 रुपए पर आ गई। चेयरमैन होलसेल ग्रोसर एसोसिएशन रऊफ इब्राहिम का कहना है कि दालों की कीमतें भी 25 से 75 रुपए तक कम हुई, दालों की कीमतों में मजीद कमी का इम्कान है। रऊफ इब्राहिम का कहना है कि दाल चना 40 रुपए कम होकर 360 रुपए, दाल माश 75 रुपए कमी के बाद 425 रुपए, काबुली चना दर्जा अव्वल 45 रुपए कमी के बाद 355 रुपए, जबकि काबुली छोटा चना 25 रुपए कम होकर 295 रुपए फी किलो हो गया। उनका कहना है कि सितंबर से अब तक काले चने की फी किलो कीमत में भी 50 रुपए कमी आई। दूसरी जानिब मार्केट में 20 किलो आटे के थैले की कीमत में 60 रुपए का इजाफा हुआ और 20 किलो का थैला 1625 से 1685 रुपए का हो गया। पाकिस्तान ने फलस्तीन और मशरक़ वस्ती में क़याम अमन के लिए 5 निकाती काबिल अमल मंसूबा पेश कर दिया। पहला कदम अरब ममालिक और OIC की 11 नवंबर को हंगामी कॉन्फ्रेंस मुनक़द होनी चाहिए। मुशाहिद हुसैन ने कहा कि कॉन्फ्रेंस में फलस्तीनी आवाम की मुश्किलात को कम करने के लिए ठोस इकदाम किए जाएं और क़यादत करते हुए एक आलमी रहनुमाओं का वफ्द तश्कील दिया जाए, जिसमें ग्लोबल साउथ और यूरोप के रहनुमाओं के साथ सऊदी अरब, पाकिस्तान, तुर्किया, इंडोनेशिया, मलाइशिया, जनूबी अफ्रीका, अलजजायर और ब्राज़ील, नेस नॉर्वे और आयरलैंड के वज़रा आज़म शामिल हों, क्योंकि उन्होंने रियासत फ़लस्तीन को तस्लीम किया। उन्होंने मजीद कहा कि वक्त फौरन वाशिंगटन जाए और मुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करे और नए अमरीकी सदर पर जोर दे कि वो अमरीका की एकतरफा इसराइल की खुली हिमायत की पॉलिसी को वापस ले। गजा में मुसलसल इसराइली बमबारी से गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 23 फलस्तीनी शहीद हो गए। इसराइली फौज ने गजा सिटी, नसीरात और बैतुल्लैया के इलाकों को निशाना बनाया। मगरबी किनारे में भी 2 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया गया। गजा में इसराइली बर्बरियत का निशाना बनने के बाद शहीद होने वालों की तादाद की मजमू तादाद 43,508 हो गई। अक़वामे मुत्तहिदा इंसानी हकूक के मुताबिक गजा में इसराइली जारहियत के शहीद होने वालों में 70% खवातीन और बच्चे शामिल हैं। उधर इसराइली फौज के लबनान में हमलों से 24 घंटों में 52 शहरी शहीद हुए। इसराइली फौज की जानिब से लबनान से फायर किए गए 2 ड्रोन गिराने का भी दावा किया गया। अमरीका का इसराइली यरगमालियों की रिहाई से मुतालिक अमरीकी मुआहिदा मुस्तरद करने पर कतर से हमास क़यादत को मुल्क बदर करने का मुतालबा। बरतानवी खबर एजेंसी के मुताबिक अमरीका की जानिब से कतर को वाज़ह पैगाम दिया गया कि दोहा में हमास क़यादत की मौजूदगी को मजीद कबूल नहीं किया जाएगा, क्योंकि फलस्तीनी मज़ाहमती ग्रुप ने जंगबंदी और यरगमालियों की रिहाई से मुतालिक नई तजावीज़ को भी मुस्तरद कर दिया। सीनियर अमरीकी अहदेदार ने बरतानवी खबर एजेंसी से बात करते हुए कहा, कई रोज़ कबल ही अमरीका की जानिब से हमास के मुआहदे से मुतालिक नई तजावीज़ मुस्तरद करने पर कतर को ये पैगाम पहुंचा दिया गया था कि वो हमास की क़यादत को मुल्क बदर कर दें। फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने 9 मुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप से पहला बाज़ाब्ता राब्ता किया। ट्रंप को इलेक्शन में कामयाबी पर मुबारकबाद दी। दोनों रहनुमाओं ने गजा में जंगबंदी के लिए मिलकर काम करने के अज़्म का इजहार किया। महमूद अब्बास ने कहा कि अमरीका के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं। अमरीका के 9 मुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि खत्ते में जंग के खात्मे के लिए काम करूँगा। बॉलीवुड और लॉलीवुड के इश्तराक से बनने वाली पंजाबी कॉमेडी फिल्म चोर दिल पाकिस्तानी सिनेमाओं में नुमाइश के लिए पेश। फिल्म की कास्ट में विकी कोडू, अमजद राना, फिदा गुल और जगीत सिंधु शामिल हैं। फिल्म तंजो मजा और शानदार कहानी से भरपूर है,
नाजरीन ने फिल्म को खूब सराहा और कहा कि ऐसी मायारी फिल्में पाकिस्तान में नुमाइश के लिए ज्यादा पेश की जाती है। और पाकिस्तानी अदाकारा और मॉडल अरीज चौधरी का कहना है कि लोग सोशल मीडिया पर मनफी किरदार की वजह से गाली और बददुआ देते हैं। अरीज चौधरी ने कहा कि मेरी अपनी शख्सियत बहुत मुस्बत है, हकीकी जिंदगी में जिन चीज़ों के खिलाफ हूँ मनफी किरदार में वो सबसे ज्यादा है, इसलिए मनफी किरदार को समझना और इस पर काम करना मेरे लिए मुश्किल है। अदाकारा ने हाल ही में अपने खत्म होने वाले मशहूर ड्रामे की मिसाल देते हुए कहा कि ड्रामे में एक मियाँ बीवी है और मैं उन्हें अलग कर रही हूँ, तो मैं सोचती थी कि मैं क्या कर रही हूँ और ये मेरे लिए एक चैलेंज था जिसका मैंने बहुत मुख्तलिफ तजर्बा किया। अस्सलामु अलैकुम, कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूँ तूबा मुजाहिद। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे लेकिन इस ब्रेक के बाद।